मोदी सरकार 400 पार अब की बार बाबा जय श्री राम। उनके लोकसभा में जाके उनका जमानत जब्त करने का काम करेंगे, ये विजय रथ है। रंजन जी से मैं कहूंगा जो अपनी पूरी साइकिल सजा रखी, जरा इसको दिखाइए हमें कि इसमें क्या क्या लगा रखा है आपने। सर एक मिनट, जी 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 जी, साइकिल का उद्देश्य बताइए। साइकिल जो है 24 में 400 पार करने का अभियान है, 400 पार, और विपक्ष का सुपड़ा साफ, और ये साइकिल वहाँ भी जाएगी जहाँ से गांधी परिवार चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो। अगर वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के, उनके लोकसभा में जाके उनका जमानत जब्त करने का काम करेंगे, ये विजय रथ है 24 का। और इस बार 40 के अंदर हम लोग विपक्ष को जो है समेट देंगे, और राहुल गांधी को कहेंगे कि कृपया आप 4 सीट से चुनाव लड़िएगा, चार जगह से 3 जगह से हराएंगे आपको, और 1 जगह से दया खा के आपको संसद में लाएंगे वापस, क्योंकि संसद में कॉमेडी के लिए चाहिए, रमन चमन के लिए, माहौल के लिए। ये जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें मायूसी अच्छा नहीं लगेगी। तो राहुल गांधी अपनी चिंता नहीं करे, उनको हम लोग बचा लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मोदी जी की आरती करिए और जयकारा लगाइए मोदी जी को लेकर के। ये देखिए भैया, दो लोग बजा रहे हैं। चलिए, जय मोदी देवा स्वामी, जय मोदी देवा, आरती गाओ मिलकर, आरती गाओ मिलकर, जय मोदी देवा। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, अब की बार 400 पार, जय श्री राम। एक अलग सा माहौल है अब की बार मोदी सरकार, और देखना है कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने